हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की रिलीज हो चुकी फिल्म भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे अजय देवगन की इस मूवी यानी कि भोला को रिलीज हुए आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं रिलीज से पहले जितनी इस मूवी की हाइप थी उस हिसाब से इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। जिस हिसाब से हमने रिलीज से पहले भोला 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 सोशल मीडिया पर चल ही रहा था, उसके ट्रेंड, उसके ट्रेलर रिव्यू, उसका टीजर रिव्यू, बहुत सारे आदमी कह रहे थे कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी। लेकिन दोस्तों फिर कहीं ना कहीं भोला अब अपने खुद के बजट को ही पाने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। बात तो सही है। अगर दोस्तों मैं इस मूवी के प्रॉफिट को ही साइड में रख दूं तो इस मूवी ने अभी अपने बजट जितना ही नहीं कमा पाई है। जहां दोस्तों लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म अभी भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक हफ्ता बीत जाने के बाद ये मूवी कुछ अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपना कर पा रही है। दोस्तों एक ट्रेड एनालिस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने यानी कि भोला ने इंडिया में ही बॉक्स ऑफिस पर लगभग 14 दिनों में लगभग 88.61 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वही अगर बात करूं मैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो वो इन 14 दिनों में मात्र 13.50 करोड़ ही रहा है। जी दोस्तों, अगर इंडिया और वर्ल्ड वाइड दोनों को अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जोड़ दूं तो ये रिलीज होने के बाद लगभग 14 दिनों के बाद 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर रही है। क्योंकि अगर इन दोनों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैं जोड़ दूं तो ये टोटल 102.31 करोड़ रुपए तक बैठता है। अब आए ना लाइन पे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मूवी इतना अच्छा नहीं कर पा रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं कंपेयर करूं भोला को अजय देवगन की ही रिलीज हो चुकी दृश्यम 2 के बारे में तो दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भोला कहीं नहीं टिकती है। और अजय देवगन की ये दृश्यम 2 हाल फिलहाल में 1 साल पहले ही आई थी। अब दोस्तों सच कहूं तो बॉलीवुड में ऐसी ऐसी मूवियां हैं जो तो बनी अच्छी है लेकिन फिर भी वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पा रही है। और दोस्तों ये हालिया फिलहाल में और ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों जहां हम पहले बात करते थे मूवी रिव्यू पे या उसकी अपडेट्स के बारे में, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब बॉलीवुड में जो मूवियां आ जाती हैं उनके रिव्यूज कम और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट अब ज्यादा दिखाई जाती है। बात तो सही है। और इसी चक्कर में फंसते हैं एक्टर, डायरेक्टर और उन मूवियों को प्रोड्यूस करने वाले पूरी टीम। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस पर ये पिट रही मूवियों को एक बात ध्यान में रखना है कि आपको दर्शकों के लिए कुछ ऐसा करना है जो आज तक व्यूअर्स ने ना देखा हो। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि एक अच्छी स्टोरी और एक अलग स्टोरी ही किसी मूवी को हिट करवा सकती है। और वहीं मैं अगर बात करूं एक कम बजट में बनी फिल्म कांतारा की, जो मात्र 16 करोड़ के बहुत छोटे बजट में बनी फिल्म है, उसने लगभग वर्ल्ड वाइड 406 करोड़ रुपए की कमाई की है। लेकिन दोस्तों कांतारा एक ऐसी मूवी थी जिसकी स्टोरी हटके थी, जिसे दर्शकों ने भी, फैंस ने भी, यहाँ तक कि थिएटर्स जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी पसंद किया है। और सिर्फ अपने क्षेत्र में रिलीज होने वाली कांतारा आज वर्ल्ड वाइड अभी भी कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं इसमें एक दोष निकालना चाहता हूँ मूवियों के हिट ना होने पर उनकी स्टोरी के बारे में। साफ सीधी सी बात है, अगर आपकी स्टोरी में दम नहीं रहेगा तो आपकी मूवियां चलेंगी नहीं। और दोस्तों कहीं ना कहीं आजकल पता नहीं बॉलीवुड वालों पर क्या बीमारी लगी हुई है कि रीमेक पर रीमेक फिल्में बनाते जा रहे हैं। भोला की बात करूं तो वो कैसी का रीमेक है। वही अक्षय कुमार की सेल्फी भी बुरी तरह पिटी थी और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये था कि रिलीज से पहले ही इस मूवी के बारे में चर्चा हो रही थी कि ये मूवी किसी और मूवी का रीमेक है। तो दोस्तों जब किसी मूवी पर रिलीज से पहले ही रीमेक का ठप्पा लग जाता है तो उसके हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यही बात मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उसकी पूरी टीम, राइटर, सबको ये ध्यान में रखनी होगी। देखिए मैं कोई अपने आप में ट्रेड एनालिस्ट या मूवी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेंड को देखते हुए मेरा ये कहना जायज था कि आप अपनी मूवियों में कुछ ऐसा सुधार कीजिए कि आपकी मूवी भी कम बजट में बनी हो लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन कर पाए। तो दोस्तों कुछ आज की ये वीडियो थी भोला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जो कि 14वें दिन की थी। अब देखते हैं हाल फिलहाल में ये मूवी आखिर कब 100 करोड़ के क्लब को पार कर पाती है। और दोस्तों सच मानिए अगर कर भी पाती है तो इसका प्रॉफिट आखिर होगा क्या। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर ऐसे हैं, मैंने ये बात आपसे पहले की हुई है,
कि बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि अब साउथ के एक्टर्स को अपनी फिल्मों के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब साउथ सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। ऐसी नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।